शाहरुख सलमान जब साथ साथ आते हैं धमाल मचा देते हैं, चाहे फिर फिल्म हो या फिर पर्सनल लाइफ। और ऐसा ही कमाल एक फिल्म के जरिए इन दोनों स्टार्स ने किया था, जिसके लिए शाहरुख सलमान को आज भी अप्रिसिएशन मिलता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करण अर्जुन की जोड़ी की, जिसमें शाहरुख सलमान ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में शाहरुख और सलमान की जगह फिल्म के मेकर्स बॉलीवुड के दो सगे भाइयों सनी और बॉबी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सनी देओल की वजह से फिल्म सलमान शाहरुख के पास चली गई। दरअसल करण अर्जुन फिल्म के लिए शाहरुख सलमान पहली चॉइस नहीं थे। जी हाँ, डायरेक्टर इन किरदारों के लिए रियल ब्रदर्स को कास्ट करना चाहते थे। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर राकेश रोशन ने सनी बॉबी को अप्रोच किया था। सनी देओल को राकेश रोशन की इस फिल्म का प्लॉट बहुत पसंद आया था, उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस मूवी में उनके छोटे भाई को भी कास्ट करने की प्लानिंग की गई है, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इस फिल्म के लिए सनी देओल ने मना कर दिया था, क्योंकि जब वो फिल्म बन रही थी तब सनी देओल के भाई बॉबी देओल बॉलीवुड में अपनी डेब्यू की तैयारी कर रहे थे। उनकी फिल्म बरसात को लेकर तैयारियां चल रही थी और ऐसे में सनी देओल को उस वक्त ये ऑफर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो अपने भाई के बॉलीवुड डेब्यू के बीच किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में हुआ यूं कि इस फिल्म का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि बॉबी देओल का डेब्यू तो शानदार रहा, लेकिन राकेश रोशन की फिल्म को उनके करण अर्जुन के रूप में शाहरुख और सलमान मिल गए। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि राकेश रोशन ने पहले इस फिल्म का नाम कयानत फाइनल किया था, हालांकि सलमान शाहरुख खान की एंट्री के बाद इसे बदलकर करण अर्जुन कर दिया गया था। लेकिन अगर ये दोनों भाई इस फिल्म को साइन कर लेते तो दोनों का करियर कुछ और ही होता फिर, क्योंकि फिल्म तब सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। जी हाँ, 13 जनवरी 1995 को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। 6 करोड़ के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 43.63 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसी फिल्म से शाहरुख सलमान की करियर को भी किक मिली थी और फिर दोनों स्टार्स आगे बढ़ते गए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें।